सो फाइनली गाइस, हम सभी का इंतजार यहाँ पर खत्म होता दिख रहा है। कल के दिन फाइनली यहाँ पर थिएटर्स में, सिनेमा घरों में दस्तक दे रही है मूवी डंकी। जी हाँ, राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म डंकी, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे किंग खान बादशाह है बॉलीवुड, शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी और भी बड़े बड़े टैलेंटेड स्टार कास्ट जिस मूवी में देखने को मिलने वाली डंकी। वो मूवी कल यहाँ पर सिनेमा घरों यानी कि थिएटर्स में दस्तक देने वाली, कल के दिन मूवी रिलीज होते दिख रही है। उसके अगले दिन यहाँ पर यानी कि 22 को 22 तारीख को यहाँ पर हमें एक और बड़ी मूवी सलार मूवी भी देखने को मिली। जी हाँ, सलार पार्ट वन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है थिएटर्स में, वो भी दस्तक देगी जस्ट अगले दिन यानी कि 22 को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल बात करेंगे अभी तक की टोटल कितनी की एडवांस बुकिंग बची, क्योंकि अगर हम लोग बात करें डंकी की तो डंकी की सिर्फ कुछ ही घंटे बचे, 6 से 7 घंटे बस बचे हैं, उसके बाद यहाँ पर बुकिंग क्लोज हो जाएगी। बुकिंग क्लोज तो नहीं होगी, बट हमें पता चल जाएगा कि मूवी की डे वन के लिए टोटल एडवांस बुकिंग कितनी क्या हुई है। ठीक है, अभी तो रात तक चलनी है डंकी की यहाँ पर, लेकिन हमें मोटा मोटा यहाँ पर पता चल जाएगा कितने क्या करोड़ की कमाई हो चुकी है। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी कितनी क्या कमाई हुई है डंकी मूवी की, सलार मूवी की अभी एडवांस बुकिंग थ्रू कितनी कमाई हुई, कितनी और कमाई एडवांस बुकिंग के थ्रू डे वन की हो सकती है मूवी सलार की, मूवी डंकी की। साथ ही में हम लोग बात करें यहाँ पर बुक माय शो इंटरेस्ट किसका कितना क्या है, वहीं पर हम लोग बात करेंगे डे वन बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन में दोनों ही मूवीज कितना क्या कुछ कलेक्शन यानी कि डे वन पर दोनों ही मूवी कितना क्या कुछ कमाई करते दिख रही है, सब आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो आज की इस पूरी इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली और शॉकिंग रिपोर्ट है, शॉकिंग एडवांस बुकिंग, शॉकिंग होने वाला सब कुछ भैया। तो बस आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो को भी कर दो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज करो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता तुम्हारा, कर दो ना सब्सक्राइब कर दो। बिना टाइम का आज की अमेजिंग सी वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे मूवी सलार के बारे में। जी हां, सलार यहां पर देखा जाए तो सलार मूवी को डायरेक्ट कर रहे प्रशांत नील, द वन एंड ओनली डायरेक्टर जिन्होंने यहां पर डायरेक्ट किया था KGF 1, KGF 2, और अभी इनकी अगली मूवी होने वाली है सलार के बाद बघीरा। ठीक है, तो यही वो डायरेक्टर है जो सलार को डायरेक्ट कर रहे। सलार 2 से 3 पार्ट में होने वाली है, इसका पहला पार्ट है जो अभी हमें 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर को आते दिख रहा है, उसके बाद इसके एक और पार्ट भी रहेंगे। ठीक है, वहीं पर हम लोग बात करें तो सलार में देखने को मिल रहे हमें मेन रेबल स्टार जिनका नाम है प्रभास। जी हाँ, प्रभास, पृथ्वीराज और भी अच्छे अच्छे स्टार जैसे कि हमें श्रुति हसन फीमेल लीड में दिखने को मिल रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस मूवी में है। वहीं पर हम लोग बात करें तो डायरेक्टर है प्रशांत नील, जिन्होंने दो बड़ी मूवी दी है KGF 1, KGF 2, दोनों ही सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ठीक है, तो बिना टाइम का हम लोग बात करें कि क्या कुछ यहाँ पर एडवांस बुकिंग हो रही है। तो आपको एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करने से पहले और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रेडिक्शन के बारे में बात करने से पहले एक बार सलार मूवी के बुक माय शो इंटरेस्ट पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। अगर हम लोग बात करें कि कितनी यहाँ पर बुक माय शो इंटरेस्ट हुए हैं, तो आपको बता दूँ सलार के अभी तक की टोटल बुक माय शो इंटरेस्ट लगभग 1.7 मिलियन पार कर चुके हैं। 17 लाख से ज़्यादा यहाँ पर बुक माय शो इंटरेस्ट मूवी सलार के हो चुके हैं। वहीं पर पिछले एक घंटे में लगभग 27,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। मैं आपको लगभग 6 बजे के आसपास की रिपोर्ट बता रहा हूँ, पिछले एक घंटे में लगभग 27,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है सलार मूवी की। तो बिना टाइम हम लोग बात करें मूवी की एडवांस बुकिंग कितनी क्या हुई अभी तक। तेलुगु लैंग्वेज से बात करें, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, किस सिटी में यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर वो बताऊँगा तो वीडियो 15-20 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ यहाँ पर किस लैंग्वेज से कितनी क्या कुछ की टिकट सोल्ड आउट है, कितनी कलेक्शन हुई है। अगर हम लोग बात करेंगे इस मूवी का मेन लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज से, जी हाँ, तेलुगु लैंग्वेज से यहाँ पर कितनी क्या कमाई हो चुकी है, मैं आपको बता दूँ कि 3,360 शोज इस मूवी को मिले हैं तेलुगु लैंग्वेज में, जिसमें से इस मूवी ने लगभग आपको बिलीव नहीं होगा, मूवी ने लगभग 7,26,000 के यहाँ पर टिकट सोल्ड आउट कर दिए। अभी ये फिगर देखा जाए तो कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे में ये 7,30,000 पार करते दिख रहे फिगर। जी हाँ, 7,30,000 टिकट्स यहाँ पर सोल्ड आउट हो गई है मूवी सलार की सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से। वहीं पर हम लोग बात करें मलयालम लैंग्वेज से तो 95,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है मलयालम लैंग्वेज से। वहीं पर हम लोग बात करें तमिल लैंग्वेज से कितने की टिकट सोल्ड आउट हुई, कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई, लगभग 49,060 टिकट्स यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुकी है लैंग्वेज तमिल से। वहीं पर हम लोग बात करें कन्नड़ा लैंग्वेज से कितने हुए, तो यहाँ पर हुई है लगभग 10,330 टिकट से ज़्यादा सोल्ड आउट हो चुकी है कन्नड़ा लैंग्वेज से। हिंदी की बात करें, लेकिन हिंदी की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार देखो, जो भी कहें हिंदी से यहाँ पर अभी शोज कम मिले हैं मूवी को, तेलुगु लैंग्वेज से ज़्यादा शोज मिले अभी फिलहाल, बट यहाँ पर तब भी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छी कलेक्शन होते दिख रही है। मैं आपको बताऊँ कि कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई, लगभग 80,000 के पास यहाँ पर टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से, जिसमें से हम लोग बात करें कि क्या कुछ कलेक्शन आते दिख रही है टोटल, अगर हम लोग बात करें 2D फॉर्मेट और IMAX 2D फॉर्मेट का सब कुछ मिला के देखें कि टोटल अभी तक की मूवी की कितनी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, तो मूवी ने कहीं ना कहीं लगभग 9
160,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए। जी भैया 9,09,60,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुई। कैन यू जस्ट बिलीव दिस नंबर्स। और अभी तो भैया अभी आज पूरी रात बुकिंग चलनी है, कल के दिन पूरी बुकिंग चलनी है। ये 9,60,000 कब 10, 11, 12, 13, 15 लाख बन सकते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि फिगर्स को अभी और ज्यादा आगे और ज्यादा बड़े होने हैं। वहीं भी हम लोग बात करें कि मूवी सलार के अभी तक की टोटल कितनी क्या कमाई हो चुकी। तो मूवी ने अब तक जो एडवांस बुकिंग के थ्रू इंडिया से अकेले कमा लिया ग्रॉस कमाई वो लगभग 20.80 करोड़, 20.80 करोड़ यहाँ पर मूवी ने लगभग ठोक मारे हैं एडवांस बुकिंग के थ्रू सभी लैंग्वेज से सभी फॉर्मेट्स में। वहीं पर लोग बात करें तो लगभग आधे घंटे के अंदर ईजिली यहाँ पर 20.80 करोड़ या आराम से 21 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ लीजिए मूवी की लगभग 21 यानी 21 करोड़ की यहाँ पर एडवांस बुकिंग हो गई सभी लैंग्वेजेस से सलार मूवी की। जिसके चलते हम लोग बात करें तो ये बहुत ही जोरदार यहाँ पर रिस्पॉन्स है फैंस का। और अभी तो एक दिन पूरा बचा है, कल पूरा यहाँ पर बुकिंग चलनी है, तो कब ये 20-21 करोड़ यहाँ पर कब 22-24-25-30 करोड़ बने, 35 करोड़ बने, किसी को नहीं पता, ठीक है। वहीं पर लोग बात करते हैं अगले डंकी मूवी के बाद, डंकी मूवी की, उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोनों ही मूवी का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन फाइंड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डंकी मूवी के बाद। तो आपको बता दूं डंकी मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर दैन द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री, राजकुमार हिरानी जी, राजू हिरानी जी यहाँ पर मूवी डंकी को डायरेक्ट कर, जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगेरो, मुन्ना भाई संजू, पीके जैसी बड़ी बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दी है। वहीं पर हम बात करें तो मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी। मूवी देखने को मिलने वाले शाहरुख खान, किंग खान, साथ ही में होंगे तापसी पन्नू, विकी कौशल, बमन हिरानी और भी अच्छे अच्छे प्यारे से टैलेंटेड स्टार कास्ट इस मूवी में देखने को मिलने वाले। वहीं पर हम लोग बात करें तो मूवी 21 तारीख यानी कि कल के दिन थिएटर्स में, सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। कल के दिन मूवी रिलीज़ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है, 2D फॉर्मेट में सिर्फ रिलीज़ हो रही है। आईमैक्स में जहाँ तक ऐसा कोई बड़ा रिस्पांस नहीं है, जहाँ तक नहीं हो रही है, बट यहाँ पर बात करें तो मूवी सिर्फ और सिर्फ 2D लैंग्वेज में रिलीज़ होते दिख रही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मूवी का रिस्पांस है ऑडियंस से। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि भाई बुक माई शो इंटरेस्ट कितना क्या पहुँचा, तो मैं आपको बता दूँ बुक माई शो इंटरेस्ट जो अगर बात करें हम लोग डंकी मूवी का, तो ये लगभग 3,65,000 पार कर चुका है। जी हाँ, 3,65,000, और पिछले एक घंटे में लगभग 10,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके डंकी मूवी के। जी हाँ, डंकी मूवी के पिछले एक घंटे में लगभग 10,000 से ज़्यादा टिकट यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुके हैं। और कल के बहुत सारे थिएटर्स यहाँ पर हाउसफुल और फास्टिंग फिल्म के शोज लगाए जा रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर। वहीं पर हम बात करें कि कितनी क्या टिकट सोल्ड आउट हुई है, तो अभी तक की अगर हम लोग बात करें यानी कि देखो अभी की रिपोर्ट लगभग आप 5:30-6 बजे की रिपोर्ट हिसाब से बात करें तो मूवी डंकी ने अब तक लगभग अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी क्या टिकट सोल्ड आउट कर दिए, तो क्या टिकट सोल्ड आउट हुई है, तो डंकी मूवी ने लगभग अभी 410K यानी कि 4,10,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दी है। जी हाँ, लगभग 4,10,000 से ज़्यादा टिकट से मूवी डंकी की यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुकी है टोटल में बात करें, जिसकी चलते मूवी की कमाई लगभग 12 से 12.5 करोड़ कुछ है। जी हाँ, जिस जो अभी कमाई बताई जा रही है लगभग 12.5 करोड़ यानी कि 12.5 करोड़ की कमाई हो चुकी है मूवी डंकी की एडवांस बुकिंग के थ्रू। अगर हम लोग बात करें रात तक के नंबर कितने पहुँचेंगे, तो उम्मीद है कि ये 15-16 करोड़ तक की टोटल बुकिंग जाए। आप देखते क्या कुछ रिस्पॉन्स होता है ऑडियंस का, बट इतनी उम्मीद है कि कम से कम ये 15 करोड़ का जो मार्क है उसे करे, जिससे कुछ अच्छा और कुछ बहुत बड़े नंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी डे वन के लिए यानी कि कल के दिन के लिए। वहीं पे हम लोग बात करें दोनों ही मूवी यानी कि सलार और डंकी का क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है लाइफ टाइम एडवांस बुकिंग, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बात है भाई, देखो सलार की एडवांस बुकिंग अभी 21 करोड़ पहुंची है, ऑब्वियसली बात है वो लगभग 30 करोड़ तक के आंकड़े छुएगी। चलो ठीक है, 30 अगर कुछ लोग हेटर्स बोलेंगे कि भाई 30 ज़्यादा ही हो गया, तो यार 28-29 मान के चलो ईजिली जाएगा, हंसता खेलता जाएगा 28-29 करोड़, आराम से जाएगा लिख के ले लो, ठीक है 28-29-27 करोड़ आराम से लिख के जाएगा। मेरे को तो लगता है 30 करोड़ के ऊपर भी जाते दिख सकते हैं, और ये तो सिर्फ इंडिया के एडवांस बुकिंग है, बाहर के देश से 10-15-20 करोड़ आएगा, कितना आएगा उसका कुछ आइडिया नहीं हमें, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं डंकी की यहाँ पर इंडियन एडवांस बुकिंग जो है लगभग 15 करोड़ की उम्मीद लगा रहे हम लोग। वैसे तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद ये 14.5-15 के आसपास ही आएगा, बट हम उम्मीद है कि 15-16 करोड़ आए तो जिससे अच्छा हो। वहीं पर हम लोग बात करें ओवरसीज से भी हम लोग 10-15 करोड़ की एडवांस बुकिंग आराम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे कुछ बड़े नंबर देखने को मिले। वहीं पर हम लोग बात करें डे वन पर दोनों मूवी कितना कमाएगी, तो आज के हिसाब से अभी के हिसाब से रिपोर्ट जो आई उनके हिसाब से डंकी डे वन पे 100 करोड़ तो मुश्किल लग रहे हैं यहाँ पर, बट हम उम्मीद करें कि 80-90 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास के आंकड़े देखने को मिले वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पर, क्योंकि कल के दिन यानी कि डंकी को ये डे वन पर यहाँ पर सलाह रिलीज नहीं हो रही। मूवी का क्लैश सिर्फ और सिर्फ डंकी मूवी का क्लैश सिर्फ और सिर्फ मूवी एक्वामैन होगी, जिसका कोई बहुत बड़ा ऐसा खास जोरदार क्रेज नहीं है, लेकिन हाँ अगले दिन यानी कि जैसी डंकी का डे टू आएगा उस दिन सलार जैसी बड़ी मूवी आ रही है तो यहाँ पर कलेक्शन में जरूर सी ड्रॉप आएगी। ऑब्वियसली बात है सलार की भी हिंदी कलेक्शन ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगी, बट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से सलार मेरे को लगता है कि डे वन पे आराम से 100 करोड़ डिजर्व करती है, 100 करोड़ करेगी, मुझे 100 करोड़ ज़्यादा की वही की कलेक्शन रहेगी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे। वहीं पे डंकी भी 100 करोड़ के आसपास ही रहेगी, या तो 100 करोड़ से 10-20 करोड़ नीचे या समथिंग ऐसे आसपास होगा मुझे ऐसा लगता है। बाकी यहाँ पर मैं प्रिडिक्शन, तो अपने ओपिनियंस अपने सबको शेयर करो। या आज की आखिरी वीडियो थी एडवांस बुकिंग, कल अगर होगा फाइनल डे तो एक आध मैं लाऊंगा रिव्यू इसके ऊपर वीडियो। बाकी मैं बताऊँ तो कल मैं जा रहा हूँ डंकी देखने, सुबह 7:30-8 बजे का शो है, मैं आपको जल्दी कल के दिन में शाम तक एनी हाउ रिव्यू दे दूंगा। बाकी भैया
बस आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मेरा भी गला गया, टिल देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो, क्या अच्छा था तुम्हारा, कर दो सब्सक्राइब, अपने ओपिनियंस फैक्ट्स सब कुछ शेयर करो कमेंट सेक्शन में। टिल देन मैं यार मिलता हूँ तुम सबके नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जवाहर, धन्यवाद।